मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में डीजल और पेट्रोल की महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता घोड़े पर सवार हुए। शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में सिंगरौली यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के द्वारा घोड़े पर सवार होकर पूरे शहर में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की सरकार 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया करती थी और अब उन गरीबों के बिल 2800, 3000, 5000 तक आते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक छोटे से किसान का बिल 1 अरब रुपए आया था। ये है इनकी गूंगी बहरी सरकार, इनको न दिखता है न कुछ सोचते हैं। ये जनता के लिए नहीं, इनका सीधा सिद्धांत है कि जनता कोरोना से स्वयं लड़े, ये चुनाव लड़ेंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इनका कहना है जनता आत्मनिर्भर हो जाए, समस्याओं सब अपने आप सेटल कीजिए। और ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि खरीद फरोख कर, लूट मार कर, विधायकों को खरीद कर, सरकारें गिरा कर अपनी सरकार बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ इनका एक ही काम है। सर, एक अभी और एक समस्या आ रही है कि बहुत जल्दी यहाँ जो कलेक्टर साहब थे उनका भी तबादला हुआ, इसके अलावा इसका एसपी साहब का भी जो तबादला हुआ, इस पर जो है बीजेपी सरकार बहुत जल्दी जल्दी निर्णय ले रही है, जो है ये एक कह सकते हैं एक अच्छा संकेत नहीं है किसी भी राज्य के लिए। देखिए, यही होता है कथनी और करनी में अंतर। जी, उस वक्त जो 15 साल से मठाधीश पल रहे थे, काम नहीं कर रहे थे जनता के हित में, तो हमारी सरकार ने एक बार उनको हटाने का काम किया। इससे कहते थे ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, आज तो पूरी इन्होंने ट्रांसफर की फैक्ट्री लगा दी है, ट्रांसफरों की इन्होंने फैक्ट्री लगा दी है। 3 महीने में एसपी साहब चले गए, कलेक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे थे चले गए, इसलिए कांग्रेस जमाने में आए थे। इस तरह से काम करके कैसे आप काम करेंगे? यहाँ कलेक्टर और एसपी को प्रशासन चलाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं उनको सरकार चलाने का मौका दिया जा रहा है। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।